नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। मंगल के साथ जो रवि है वो भी आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला है। तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो घूमना फिरना है वो काफी ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, टेंशन ज्यादा आ रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं और आपकी जो राशि है किसी से ज्यादा शेयर नहीं करती, मतलब अपनी जो मन की बात है वो मन में ही रखती है, सीक्रेटिव नेचर की राशि है। और जब तक तो कोई काम आप अपने अपने बलबूते पर पूरा नहीं करते तब तक वो रिवील नहीं करते, तब तक आप किसी को वो बात नहीं बताते और इसी के चलते थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन आपने पिछले करीबन 1-1.5 महीने में देखा होगा। अब ये जो बात है इस महीने के करीबन 18-19 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का स्वामी मंगल और आपके राशि का जो कर्मेश है रवि वो आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला है। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आप में जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, जो भी रुके हुए काम है वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो भी रुके हुए काम जो कि नहीं हो रहे, जिसमें काफी समय लग रहा है, वो काम इस दरमियान आप हाथ में ले सकते हो, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 20 तारीख के पहले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके राशि में ये देखा जाता है कि आप खुद से ही निर्णय लेते हो। तो 20 तारीख के पहले ये इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है वो भी मंगल ही है और जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके लाभ भाव जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो स्वास्थ्य की जो भी समस्या पिछले करीबन 1-1.5 महीने से चल रही थी, स्वास्थ्य के बारे में या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक तनाव आपका जो चल रहा था वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का 2, 5, 8, 11 इस साल के जो अधिपति है वो बुध और गुरु है। जो बुध जो है, जैसे मैंने अभी कहा, जो बुध है वो आपका आपके राशि में ही भ्रमण करेगा 7 तारीख के बाद और 27 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है वो आपका अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो गुरु है, जो कि आपके राशि का धनेश है और पंचमेश है, जो कि आपके अष्टम भाव आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसे के मामला में जो परिस्थिति है वो पिछले महीने की अगर तुलना करते हैं, मतलब पिछले करीबन 1-2 महीने से, तो उसमें थोड़ा सुधार देखा जाएगा। बहुत बड़ा सुधार देखा नहीं जाएगा क्योंकि जो गुरु है वो षष्ठ भाव में भी है और वो वक्री है। बस आपको इस महीने में ये बात देखनी होगी कि जो काम आपके सामने है वो आपके पहले पूरे होने चाहिए। लाभ के तो आपको होते ही जाएंगे क्योंकि जो गुरु है वो अगले महीने में मार्गस्थ तो होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन पहले से लाभ के बारे में नहीं सोचना, आपके मन में जो भी विचार है, जो भी प्लानिंग है वो पूरे कीजिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो समय जिसमें रवि और मंगल आप ही के राशि में आएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्टिंग होगा। आपके जो स्ट्रेस टेंशन है वो चली जाएगी और काफी अच्छे तरीके से आप काम करते हुए नजर आएंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सुख है वो किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस आपका किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, वो चतुर्थ भाव में ही कुंभ राशि में ही भ्रमण कर रहा है। अब ये वक्री से मार्गी हो चुका है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा पिछले करीबन 3-4 महीने में घर में जो बातें वो ठीक ठाक नहीं चल रही थी। घर का जो स्वास्थ्य था, फैमिली का जो हैप्पीनेस था, वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब तक घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं
उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी वो भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही ये शनि मार्गस्थ हो जाएगा तो ये जो सभी बातें हैं वो काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो पिछला खास करके पिछला एक दिन में ना काफी ज्यादा स्ट्रेस में आपका गया होगा, तो अब ये जो बात है आपके लिए उसमें काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखता हुआ नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, प्यार प्यार की बात है, जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में है और वक्री है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं चल रही है तो ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक होगा। उस प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है आप बिल्कुल भी अपने लक पे नहीं जाना, भाग्य के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि भाग्य का साथ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गुरु आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही खास करके विद्यार्थी वर्ग के बारे में मामले में कह रहा हूँ कि आपको एफर्ट देना होगा, और एफर्ट देने के लिए जो एनर्जी जो मोटिवेशन चाहिए वो आपको 20-22 तारीख के बाद जरूर मिलेगी। पहले एफर्ट दीजिए, पहले काम कीजिए, जो बातें हैं जैसे ही गुरु मार्गस्थ हो जाएगा अपने आप उसके जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के मामले में। तो जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 30 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो समय है उसमें ये जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार उनमें जो बातें हैं जो काफी अच्छी देखी जाएगी, आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी, जो तनाव जो खिंचाव पिछले करीबन 4-5 महीने में था, 3-4 महीने पहले का था, वो काफी नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें वो किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि जो रवि है वो रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, तो करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा घूमना फिरना हो पड़ सकता है। जो भी बातें हैं जैसे आप चाहते हैं करियर के मामले में नहीं होगी, आपको लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके जो आउटपुट है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आपकी राशि में पेशेंस काफी अच्छा होता है। तो अब ये जो पेशेंस आपको, अगर आप पेशेंस अच्छी तरह से रखते हो तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय उसमें जैसे ही रवि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो कॉन्फिडेंस जो एनर्जी जो लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो अब तक आपने जो भी काम किया है, जो सब्र दिखाया है, उसके जो फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो रवि पॉजिटिव हो जाएगा उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण काम है वो भी आप करीबन 20-22 तारीख के बाद अगर आप करते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, आपके जो सहकर्मी है उनसे भी काफी अच्छी आपको मदद मिल सकती है। तो रवि का जो भ्रमण है मंगल के साथ 17 तारीख के बाद आपके राशि में होने वाला वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि आपके राशि में रवि मंगल दो पुरुष ग्रह उष्ण प्रकृति के ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करेंगे, तो शारीरिकता के मामले में फिजिकल लेवल पर चोट लगना, कट्स वोन्स, इस प्रकार की जो बातें, फ्रैक्चर होना, यहाँ तक के इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब आप में कॉन्फिडेंस अच्छा देखा जाएगा, बहुत सारे का आप काम करते हुए नजर आएगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटी आप में देखी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में। तो ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके जो मित्र परिवार है उनमें जब महिला रहेंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। इन दिनों में अगर आप कोई लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो वो मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस प्रकार शुक्र और केतु की भी युति होने जा रहे हैं इन्हीं दिनों में, तो अगर आप विवाहित तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इन दिनों में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात, किसी भी किसी को कोई लोन देना है, लोन लेना है,
जो भी बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसने कहा दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग भी होगा। जैसे ही बुध आपकी राशि में भ्रमण करेगा तो आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन वगैरह भी आएंगे फ्यूचर के बारे में या फिर जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में। आप अगर आप पीड़ित हो या फिर दुख में हो, तो स्ट्रेस में टेंशन में हो, तो ये जो नेपच्यून बुध का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशन वगैरह आ सकते हैं, अंत प्रेरणा जिसे हम कहते हैं, जरूर उस पर काम कीजिए, आगे जाके वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उस प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून जो शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं खास करके आपके उम्र से जो बड़े होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दिनचर्या पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा खुद पर रखें, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी हो जाती है, और तीखी वाणी जब भी बोली जाती है आपसे जो बड़े हैं तो थोड़े से क्लैशेस होना लाजमी है, तो आपको इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून के साथ रवि मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। रवि मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, वो इन दिनों में बहुत ही मतलब जोरों पर होगी। जो काम आप लोगे वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। भाग्य के साथ भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है काफी अच्छी देखी जाएगी। और अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो गए। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वार्ड के जो लोग होंगे उनसे आपको काफी अच्छी बूस्ट मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि मंगल मंगल का जो त्रिकोण योग है पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर अगर आप कोई नया कुछ करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशन वगैरह आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे मदद वगैरह भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 23, 25 और 27 ये जो 3-4 दिन है इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप ही के राशि में स्थित रवि मंगल और बुध के साथ जो शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित है वो केंद्र योग करने जा रहे हो, तो 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय चाहे छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी के विरोध में भी नहीं जाना। जो प्रॉब्लम है थोड़ी बढ़ सकते 4-5 दिनों तक आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है, तो हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। तो इन दिनों में अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन दिनों में आपको काम करना बहुत ज्यादा, इस संपूर्ण महीने में आपको काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके काम बनते हुए नजर आएगा, ये नहीं सोचना कि मुझे यह काम करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, रिजल्ट्स क्या आएगा। जैसे कि जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वो आपके साथ काम के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए साबित होंगे, आपके साथ रहेंगे। तो काम कीजिए, अगर आप काम करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आगे जाके आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। उसी प्रकार इस महीने में जो संपूर्ण साल का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल आता है वो दीपावली का। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको आज का ये जो वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।